जी सागर, ब्रेकफास्ट बनाएगा कि नहीं पहले बता। इसके दो दिन के नाटक थे गाइस। दो दिन के नाटक कल तो मैंने बनाया, परसों भी मैंने बनाया, उससे पहले भी मैंने बनाया। कल आप जल्दी उठ गए थे तो बनाया था, परसों बाहर जा रखे थे तब बनाया था आपने। उससे पहले भी बनाया ये था। जैसी दम है ना एक, उससे पहले भी नहीं बनाया था करके ना। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैंने कल की वीडियो में इंट्रो शूट करना भूल गई थी। जब मैंने रात को वीडियो एडिट किया तब मुझे याद आया, ओ शिट, मैंने तो इंट्रो शूट नहीं किया। सो यस, एंड आज भी मैं व्लॉग करने वाली हूँ। आप लोगों को वैसे कि पता है मैं चैलेंजेस वीडियोज बनाती हूँ, बट अभी मैं कल से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे सीखना है अच्छे से कि कैसा होता है, कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से परफेक्टली नहीं आता है। सो इसलिए, एंड आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग्स। अगर इंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। सो यस, मैं बीच बीच में चैलेंज वीडियो भी बना रही हूं। क्या हो गया? पागल है? ये तो एक दिन मेरे को मारेगा ऐसे हार्ट अटैक दिलवा के। तो यार गाइस, अगर आप एंजॉय कर रहे हो व्लॉग्स देखकर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। रो ब्रश करो। इरिटेटिंग है यार ये, सच में छी भाई। अभी जस्ट हम उठे हैं तो पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं एंड सागर देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट बनाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं। अच्छे से घर स्मेल नहीं आनी चाहिए। सो गाइज, ब्रेकफास्ट रेडी है। सो कल का राइस बचा था तो मैंने उसको फ्राई किया है और ये अंडा बनाया है एंड साथ में ड्यू भी है। सो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइज, ब्रेकफास्ट इज डन। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है तो अभी मेरे को पहले रेडी होना है रील्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को थप्पड़ मारूंगी। मुझे एक रील्स बनाना है जो कि है बारिश कुछ गाना है उसको। सबसे मेन बात तो उसके लिए एक सेटअप सा बनाना है, क्योंकि उसके लिए पीछे ना मतलब प्लेन बाथरूम में पानी ऊपर से। ये पता नहीं ये कुछ पागल है क्या? तुम बचपन में कुछ दवाइयों तो कम नहीं खाई थी? बाथरूम में चुप ना बोले दे। तो मतलब मुझे वो करना है क्या, पीछे बैकग्राउंड मतलब प्लेन चाहिए और थोड़ा डार्क बैकग्राउंड। प्लेन और डार्क बैकग्राउंड चाहिए रात में, तो डार्क रात में। एंड उसके बाद रेडी होने के बाद सेटअप वगैरह करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे सेटअप करूंगी एंड उसके बाद मैं रील्स वगैरह बनाऊंगी। नहीं देखना उन्होंने। एंड उसके बाद मैं रील्स बनाऊंगी गाइज, इसको बकवास छोड़ो। तो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ रील्स बनाने के लिए। सो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ कि मैं कैसे जुगाड़ कर रही हूँ प्लेन बैकग्राउंड का। सो पहले वो कर लेते हैं फिर उसके बाद रील्स बनाएंगे। मैं आपको जुगाड़ दिखाने वाली हूँ कैसे मैं करने वाली हूँ प्लेन बैकग्राउंड। कैसे खोल के ये छी छी ऐसे बहुत गंदा जुगाड़ है करना कोई। मैंने उनको थोड़ी बोला आप करो, मेरे को चाहिए था तो मैंने जुगाड़ किया है, मैंने ये नहीं बोला आप करो, है ना गाइस? मत करना। चल सो अभी हम पहले रील्स बनाते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। आपको पता है डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको अपने आप को, पता है क्यों? नहीं सुनना। पता है क्यों? सुनना ही नहीं। सुनाता हूँ ना, सुनना ही नहीं। अच्छी बात है, सुनना ही नहीं मिला। तारीफ करूँगा आपकी। नहीं नहीं, सच में मजाक नहीं। बोल बोल बोल, ये रफ्तार नहीं बोलेगा। नहीं, मेरा वीडियो नहीं मिला। बोल, क्योंकि आप इंसान से ज्यादा एंजल लग रहे हो। है ना, एक्चुअली मैंने चैनल से चोरा है कि चलो मैंने रील्स भी बना दिया एंड इतना टेक लगा इतना 50 टेक्स। 50 तो कहीं नहीं लगा, 50 लगा। चुप रहे, लगा आराम से। तो मैंने रील्स भी बना लिया है और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं रेडी हो ही चुकी हूँ तो मैं फोटोज भी खींच लूँ इंस्टाग्राम के लिए, जो कि सागर खींचेगा बेसब्री से, वो मेरे फोटोज खींचने के लिए इंतजार हो रखा है। बहुत बेसब्री है, चलो ना, चलो चलते हैं। चलो चलो, बहुत बेसब्री है, चलो ना, चलो चलते। क्यों नहीं,
मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी ना। हम लोग ऊपर जाएंगे या तो कहीं बाहर जाएंगे फोटोज क्लिक करने के लिए, थोड़ा सा पहले रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी बहुत ही भयंकर टेक लेकर मैंने रील्स बनाया, तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगी उसके बाद जाएंगे। ठीक है डन चलेगा। सो गाइस रील्स बनाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी हम लोग जाने वाले ऊपर फोटोज क्लिक करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेडी ही थी तो मैंने सोचा कि मैं हाथों हाथ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में पिक्चर पोस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इसलिए। और बाहर बहुत ही ज्यादा धूप है तो मैं बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी। सो मैं ये वाव स्किन साइंस का सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ। सो इसमें दो सनस्क्रीन आते हैं, एक तो है SPF 35 एंड दूसरा है SPF 55। और ये सनस्क्रीन आपको एक्सट्रीम हाई कवरेज देता है बाहर के सन एक्सपोजर से। तो अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ एंड बाहर बहुत ही ज्यादा धूप है तो मैं ये SPF 55 वाला सनस्क्रीन यूज करूंगी ताकि ये मुझे सन से ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट कर पाए। और जो ये SPF 35 वाला जो सनस्क्रीन है ये आप नॉर्मली घर पे भी यूज कर सकते हो, पर आपको हर घंटे में इस सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते रहना होगा। और ये सनस्क्रीन आपके स्किन पर इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है बिना व्हाइट कास्ट छोड़े, और ये आपके स्किन के ऊपर ट्रांसपेरेंट सील का काम भी करता है एंड स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इसमें है रसबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट जो रिच है विटामिन ए एंड ई। और वैसे भी वाव स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं लाइक पैराबेन, मिनरल एंड सिलिकॉन। इनके सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है और सारे प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। अगर आप लोग भी ये सनस्क्रीन परचेज करना चाहते तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से तो आपको परचेज करना चाहिए क्योंकि अभी समर्स का सीजन चल रहा है, इस टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके इस सनस्क्रीन को परचेज कर सकते हैं। सो यस अभी जाते हैं छत पे फोटोज क्लिक करने। तो गाइस हम लोग छत पे आ चुके हैं, सागर मेरी फोटोज क्लिक करेगा मस्त मस्त वाली है ना। ठीक है मतलब ये नहीं करेगा तो मैं खुद कर लूंगी पिक्चर्स क्लिक कर लूंगी खुद ही। हाँ ठीक है। और आकाश और अंशुल भी आ चुके हैं एंड सो मैं भी पिक्चर्स क्लिक करूंगी। इसकी बातें मत सुनो ये ऐसी। सागर तभी जी पत्थर जल्दी आ। जो मैंने रील्स बनाया है एंड जो मैंने पिक्चर्स क्लिक किया है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट नीचे मिलती हूँ। बाद मुझे वीडियो भी एडिट करना है तो मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।